हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मेकअप लुक। लेकिन नहाने के बाद जब स्किन इस तरह की होती है तो इसके ऊपर हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र इस तरह अप्लाई करने से हाइड्रेशन रहती है स्किन में, और नहाने के बाद जो अपना मॉइस्चर होता है वो स्किन में लॉक कर जाता है। और सारी चीज़ें नेक पर भी करनी है सो दैट दोनों सेम लगे। उसके बाद जी हमने मिक्स की है एक बेस, ये मीडियम कवरेज है, मैं ज़्यादा कवरेज वाली नहीं लगाती। उसमें मैंने मिक्स किया है सन ब्लॉक, आप कोई भी लगा सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। सन ब्लॉक मिक्स करने के अलावा एक तीसरा इंग्रेडिएंट है कंसीलर, ये भी थोड़ा सा मिक्स करना है। इन तीनों को अगर हम मिक्स करके लगाएंगे तो वो बिल्कुल नेचुरल से लुक आएगी, और मैं तो फिंगर से ही करती हूँ क्योंकि फिंगर थोड़ी वार्म होती है और उससे मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं ये लगाऊंगी डर्माकोल का फेस पाउडर, क्योंकि सनब्लॉक से थोड़ी ना ऑयली लुक आ जाती है, तो ये मैट लुक के लिए होता है। थोड़ा सा अप्लाई करना है, नेक पे भी लगाना है, और इसके बाद ये ब्लश स्टिक है, लेकिन आप इसकी जगह लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। ये ऐसी स्टिक है कि मैं इसको ब्लश ऑन पर भी लगाती हूँ एज अ ब्लश ऑन, और अपनी नोज़ पे भी, आईज़ पे भी, एवरीवेयर। और फिर उसके बाद ये भी मेरे पास एक पिंक कलर का ब्लश है स्पॉटिफाई का, इसको भी आपने लगाना है। नेचुरल लुक के लिए मैं यही ब्लश ऑन अपने ना आई शैडोज पे भी लगा लेती हूँ, उसके बाद पिंक कलर की लिपस्टिक, और उसके बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आईब्रोज़ के ऊपर, ऊपर वाली साइड पे। देखिए मैंने एक साइड पे लगाया है, दूसरी पे नहीं, तो जिस साइड पे लगाया वो ज़्यादा बड़ी लग रही है। बट हियर इज़ द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।